के मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक अमले में उस समय हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे का फर्जी फेसबुक अकाउंट किसी युवक ने बना दिया, जिसके बाद आनंद फानन में कलेक्ट्रेट के नाजिर द्वारा उसकी शिकायत थाना सिविल लाइंस में दर्ज करवाई गई। वहीं एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों ने जिलाधिकारी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, जिसकी सर्विलांस द्वारा जानकारी ली जा रही है। वहीं जिन लोगों ने भी ये फर्जी फेसबुक जिलाधिकारी के नाम पर बनाया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक व्हाट्सएप पे जब सर्च किया गया तो ये मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने जो है डीएम मुजफ्फरनगर के नाम से फर्जी अकाउंट बना रखा है। उसमें जो लोग हैं वो भी कलेक्ट्रेट के भी नहीं हैं और किसी भी व्यक्ति को डीएम मुजफ्फरनगर के नाम से आईडी बनाने का अधिकार नहीं है। उसमें हमारे नजात के जो नाजिर हैं उनकी तरफ से एसओ सिविल लाइन को जो है तहरीर दी गई थी और उसमें जो है आईटी एक्ट में जो है मुकदमा कायम कर अज्ञात में किया था ना। हाँ, अभी अज्ञात में है, अब वो सर्विलांस सेल उसका सर्चिंग कर रही है। किस तरीके कार्रवाई होगी सर? अब अगर इसमें अगर फेक आईडी किसी ने बनाई होगी तो उसमें मुकदमा तो हो चुका है, गिरफ्तारी भी उसमें चार्जशीट लगी है।